देखो 4.3 जहाज कीजिए कि समीकरण का निकाय अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं या फिर अपरिमित रूप में अनेक हल है, ये बताने कौन सा हल है। वही सबसे पहले बताया था a / a कैसा करके दिखाना है कि समीकरण हल कैसा है। अगर अद्वितीय हल है तो आपको उसका उत्तर भी निकालना है। उत्तर निकालने का कौन सा मेथड है आपके वज्रगुण विधि, उसके द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले देखो इसका उत्तर निकलेगा या नहीं निकलेगा, पहले ये देखना। सबसे पहले क्या आएगा आपके a1 / a2 कितना है 2/3। अगला है आपके b1 / b2 ये दे रखा है 1/4। अगर ये दोनों बराबर हो तो ही आपको करना है c1 / c2 करना। जब ये दोनों बराबर नहीं तो आपको c1 / c2 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2। अगर बराबर नहीं है बताओ कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप में अनेक हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है इसका उत्तर निकलेगा, एक होता उत्तर निकलेगा नहीं, मतलब ये ग्राफ है तो रेखाएं समांतर हो जाती, उत्तर नहीं होता। एक उत्तर आते हैं बहुत सारे जो आप लिख नहीं पाते कौन सा उत्तर है, सब उत्तर होते हैं। और ये होता है रेखाएं आपस में दूसरे को काटना, और जहाँ काटेंगे दो आएंगे, इधर उत्तर एक्स का और इधर उत्तर वाई का, तो ये अब आपके अद्वितीय हल, इसको मतलब चित्र ऐसा बनेगा और उत्तर आएगा, एक्स का मान भी आएगा और वाई का मान भी आएगा। अब मान निकालने के मैंने तीन विधि मैंने बताई थी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो मैंने किया है ये क्यों देखने के लिए है कि आपका उत्तर निकलेगा या फिर नहीं, क्यों देखने के लिए है। अब इसको हल करने की विधि मैंने तीन दिन बता दी, ग्राफ विधि से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं और एक प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। अब नई विधि एक और है, वो है आपके वज्रगुण विधि। वो कौन सी विधि है, वज्रगुण विधि। वज्रगुण विधि द्वारा भी आपको हल करना है, तो ये आ जाएगी आपकी वज्रगुण विधि। इसमें क्या हल करते हो, पहला काम था है सारे के सारे नंबर किधर होने चाहिए। पहले क्या आएगा बताओ, 2x + y - 35 = 0। दूसरा क्या है आपके 3x + 4y - 65 = 0। सारी संख्या इधर होनी चाहिए, इसके अंदर जो x और y है वो आपको यहाँ लिखना है। एक आएगा x, एक आएगा y और एक आएगा आपके नंबर, कोई संख्या x है, ये y है और ये संख्या है, इसके लिए लिखेंगे हम a। अब क्या करना है, दो संख्या बीच में, मतलब बीच में कितना है, 1 और 4, ये वाला b1 / b2, ये 1 और 4 है ना, वो कहाँ लिखना है आपको, सबसे आगे और सबसे पीछे, यहाँ लिखना है तो 1 4 और यहाँ लिखना है कौन सा वाले जो y के पास है, 1 और 4, यहाँ सबसे देख मानना है 1 और 4 आगे भी लिखना और पीछे भी लिखना है, फिर इसको लिखना है आगे, इसको लिखना है पीछे, क्या आएगा माइनस का 35 और माइनस का 65, फिर दे रखा है आपके 2 और 3, ये 2 3 लिखेंगे पीछे और इसको लिखना आगे, जो बीच में है आगे पीछे, इनको आगे इनको पीछे। अब करना है आपको तिरछा गुणा, पहला गुणा इससे और फिर गुणा इससे, इसमें भी पहला गुणा ये होना चाहिए और फिर गुणा ये होना चाहिए, तिरछा गुणा है वज्र गुणा, वज्र मतलब तिरछा गुणा, फिर पहला गुणा ऐसे करेंगे और बाद में गुणा ऐसे करेंगे, तो गुणा करो देखो 65 - -4 = 140 आएगा माइनस का, फिर लगाना है बीच में आपको चिन्ह लगाना है बराबर का। अब यहाँ गुणा करना है 35 × 3, हमेशा गुणा यही पहले करना है, कितना होता है 105, ये गुणा करो 130, वो भी माइनस का, इन दोनों गुणा करेंगे ना माइनस का, फिर लगाना है आपको बराबर, पहले गुणा ये 4 × 8, फिर गुणा ये 3 × 3। अब हर एक के बीच में चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब कौन सा बोलना है आपको, ये तो है माइनस का 65 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 140 बराबर का बराबर, ये तो है माइनस का 105 और ये माइनस माइनस प्लस का 130
ये वाला 8 है और ये माइनस का 3, 140 को प्लस का प्लस है माइनस का तो बाकी होगी। और बाकी कितना होता है? ये होता है 75। 10 में से 5 गए 5 और 13 में से 6 गए 7। ज्यादा कौन से है? ज्यादा 10 वाले। यहां प्लस है ये माइनस है तो आपको बाकी करनी है। ज्यादा सुन गया उस पर चिन्ह आएगा। अब यहां पर 130 प्लस का 105 माइनस का तो बाकी होगी और कितना आएगा 25। ज्यादा कौन सा है? 10 वाला। और यहां भी क्या आएगा आपके 5 प्लस का। अब आपको x का मान भी ज्ञात करना है और y का मान। x के सामने जो लिखा हुआ है इसमें भाग देंगे इसका इसका 75 बटा 5 और y के लिए 25 बटा 5। इसमें भी उसी का भाग देंगे और इसमें भी उसी का भाग देंगे। तो x का मान कितना है? 15 और y का मान कितना है? 5। ये है वृद्धगुण विधि। सबसे इजी है आपके असंख्या बड़ी आप बड़ी आ जाए बस ये बड़ी बहुत होती है। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड। कोई आप बताना है आज द्वितीय हल होगा तो ये आपके चार द्वितीय हल होगा नहीं तो फिर ग्राफ द्वितीय हल होगा और आगे करना भी नहीं आपको। अद्वितीय है तो ही आपको हल करना है। देखो सबसे पहले क्या आएगा a1 बटा a2 मतलब कितना 2 बटा a तो क्या आ रहा आपके 2 आ रहा भाग देंगे 2 ही आएगा। अब क्या लिखेंगे हम b1 बटा b2 मतलब माइनस का a बटा माइनस का a कुछ नहीं है एक तो मान नहीं है माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस ये कट गया और एक में एक का भाग कितने भाग गया एक भाग। क्या दोनों का उत्तर सेम आ रहा है क्या? नहीं सर। क्या लिखेंगे अगर दोनों को सेम नहीं आ रहा है तो तीसरा वाला करने की जरूरत नहीं। तीसरा वाला तभी करेंगे जब ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे। अब क्या आएगा c1 ये करने की जरूरत नहीं है आपको ये दोनों बराबर नहीं है ऐसे करोगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 ऐसा हो तो ही आपके जो तीन मेथड है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि वृद्धगुण विधि काम करेगी। वरना अगर ये बराबर हो गए तो फिर आपके वहां हल नहीं होगा फिर केवल ग्राफ बनेगा आपको। तो ऐसा है तो ये कौन सा हल है आपके अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है तो आपका विधि तीन तीन विधि है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि और वृद्धगुण विधि। अब वज्रगुण से करेंगे तो वज्रगुण नया है पहले वो सीखिए। वज्रगुण विधि ये विधि कैसे काम करती है सभी को इधर लिखा हो पहले तो क्या होगा बताओ 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0 ये प्लस का था अंदर लिखा है हो गया माइनस का। यहाँ कैसे करना है x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब इसके अंदर एक x है एक y है और एक संख्या है तो क्या आएगा x y और कोई नंबर लिखना है। अब देखो सबसे पहले दे रखा है ये बीच वाला नंबर मैंने लिखा था क्या लिखा था बताओ माइनस एक माइनस लिखा था ना तो जो जो ये कुछ नहीं है एक मानना है माइनस एक कहाँ लिखना है सबसे आगे भी लिखना है और सबसे पीछे भी लिखना है। जो संख्या बीच में है वाई के पास सबसे आगे भी होनी चाहिए सबसे पीछे भी होनी चाहिए। दूसरा अब ये वाली संख्या आएगी आगे और ये वाली आएगी पीछे ये कितना है माइनस का 6 और माइनस का 2 और ये कितना है 2 और 1। अब करेंगे पिछा गुणा पहला गुणा ये और फिर गुणा करेंगे ऐसे हमेशा पहला गुणा ऐसे ही करना है तो कितना होता है आपके 2 एकम 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 एकम 6 ये भी क्या हो गया प्लस ये भी प्लस का ही है और ये भी प्लस का ही है यह आएगा बराबर। अब अगला गुणा पहला गुणा हमेशा यही करना है और ये गुणा फिर बाद में करना 6 एकम 6 और 2 दूनी 4 और यह आएगा आपके बराबर। हमेशा पहला गुणा यही करना है तो 2 एकम 2 और 1 इंटू 1 माइनस का 1। और अब यह करना है सब गुणा करने के बाद अब क्या करना है आपको सब में चिन्ह लगाना है वो भी कौन सा माइनस यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब कुछ तो बोलो यहाँ क्या हुआ 2 यहाँ क्या है माइनस 6 ये क्या है माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 4 फिर ये माइनस का 2 फिर ये प्लस का 1। अब जोड़ना घटाना है तो 6 में से 2 गया 4 ज्यादा कौन सा है माइनस का ज्यादा है फिर यहाँ पर 6 में से 4 गया 2
क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है तो बाकी होगी और दो आएगा, ज्यादा कौन सा है माइनस का। यहाँ पर दो में से एक गया एक, क्योंकि एक माइनस का प्लस का इसलिए, ज्यादा कौन सा है माइनस का। अब आपको एक्स का मान भी ज्ञात करना है और वाई का मान भी ज्ञात करना है। क्या करना है, इस नंबर में सबसे पीछे वाले नंबर का क्या देना आपको, भाग देना। तो माइनस चार में किसका भाग रहेगा, माइनस एक का भाग दो, भाग के बाद जाएगा चार, ये माइनस का दो बटा माइनस का एक, ये कट गया, भाग के बाद गया दो बार, उत्तर आया है प्लस का चार और प्लस का दो एक्स और वाई का मान। देखो सवाल नंबर तीन पहले चेक करेंगे कि ये कैसा सवाल है। ए वन बटा ए टू का मतलब होता है आपके तीन बटा दो, ये दो लेंगे। फिर है आपके बी वन बटा बी टू, ये दे रखा है आपके दो बटा एक, भाग देख में आएगा आपके दो, और ये दोनों आपके बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो सीमा शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू। अरे पर आपके विधि है ना, वितरण विधि, इसके लिए करना जरूरी नहीं है, वो जैसे ही कर रहे हैं वो जैसे हमने सीधा यहाँ कर रहा था, अभी मैंने विधि ली है, इसको लेके रख लिया, इसको लेके छोड़ लिया। ये तो केवल बताता है आपको कि उत्तर कैसा आएगा, उत्तर हर सल होगा या नहीं होगा ये बता रहा है। यहाँ क्या आएगा आपके अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल जो है ये केवल ही बताता है उत्तर का हल निकलेगा या तो नहीं निकलेगा, यही बताता है। बाकी का वज्रगुण विधि का इससे कोई मतलब नहीं, वज्रगुण विधि हम किससे करते हैं, इससे हल करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमें कौन सी विधि हल करना है, वज्रगुण विधि से, उसमें हमें ये चाहिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं। बस इसलिए क्या है कि ये जो क्वेश्चन है सही है तो नहीं, क्वेश्चन आपके समांतर रेखा है तो नहीं है, इसलिए गलत है। अब यहाँ क्या आएगा, आप देखो सभी संख्या इधर ही है तो आपको इधर लाने की जरूरत नहीं है, सब इधर ही है। तो क्या आएगा, देखो एक्स भी आएगा वाई भी आएगा और संख्या भी आएगा। सबसे पहले जो संख्या बीच में लिखी हुई ये वाली दो और एक, यही संख्या दो और एक, ये क्या आएगी, सबसे आगे भी आएगी और सबसे पीछे भी आएगी। अब दो संख्या आगे लिखी हुई है वो पीछे लिखी हुई है, वो तो आ जाएगी आगे, और जो लिखी हुई है सबसे आगे वो पीछे आ जाएगी, तीन और दो। अब फिर से गुणा करना है, इसको गुणा इससे करेंगे और इसको गुणा इससे, पहले गुणा ये होगा तो कितना हो जाएगा बीस, ऐसे गुणा करो कितना आएगा पच्चीस बराबर, ऐसे गुणा करो पहला गुणा ये फिर ये पचास, ये कितना होता है तीस बराबर, पहले गुणा ये, हमेशा पहला गुणा ये करना है फिर गुणा ये करना है चार। अब क्या करना है आपको, चिन्ह बदलने, चिन्ह बदलना नहीं, बीच में लगाना चिन्ह कौन सा, माइनस या भी माइनस। अब बीस में से पच्चीस गए पांच, ज्यादा कौन सा है माइनस, यहाँ पर पचास माइनस तीस बीस आ रहा है, ज्यादा कौन सा है प्लस, और यहाँ पर माइनस का एक आ रहा है। हमें x का मान भी ज्ञात करना है और y का मान भी ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना हो तो इसमें भाग देंगे उसका, माइनस का पांच बटा माइनस का एक कट गया, भाग गया पांच बार, बीस बटा माइनस का एक, बीस ही आएगा लेकिन प्लस माइनस, x का मान पांच और y का मान माइनस का बीस। जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके चार, वही क्या करना है आपको, ए वन बटा ए दो कितना हुआ एक बटा दो, घटने का आंसर देखेंगे हम। अगला है आपके बी वन बटा बी टू, ये दे रखा है दो बटा तीन, क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है तो सी वन सी टू याद करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ए वन बटा ए बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू, ये दोनों बराबर हो जाए तो ही सी वन सी टू को लेते हैं, बराबर नहीं है तो क्या आएगा आपके अद्वितीय हल, केवल एक अद्वितीय हल ही है जिसे हम विलोपन विधि से, प्रतिसम विधि से या वर्तमान विधि से हल कर सकते हैं, अगर इसके अलावा दूसरा हल हुआ तो हल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर आपके x, या आएगा वाई और यहाँ क्या आएगी x संख्या से, विधि कौन सी लेनी है आपको वर्तमान विधि से। तो सबसे पहले आपको ये दोनों लेना, ये कितना है ये वाला
दो और ये माइनस का तीन, दो और माइनस तीन जो जो बीच में है ना वो आगे भी आएगा और सबसे पीछे भी आएगा, तो यहाँ आएगा दो और माइनस का तीन, यहाँ भी आएगा दो और माइनस का तीन। अब जो सबसे पीछे लिखा हुआ है कितना, एक और माइनस का बारह पीछे लिखा हुआ है वो आएगा आपके आगे, और जो आगे लिखा हुआ है एक और दो ये वाला एक दो ये आगे लिखा हुआ है वो जाएगा पीछे, ये आ जाएगा आपके एक और दो। अब करेंगे तीसरा गुणा, पहला गुणा इसका बाद में गुणा इसका, कितना होता है बारह गुणा चौबीस, यहाँ पर तीन एकम तीन बराबर, तीसरा गुणा करना है पहला गुणा ये और बाद में गुणा ये, एक कितना होता दो एकम दो और ये बारह एकम बारह बराबर, पहला गुणा ये करना है तो कितना आएगा तीन एकम तीन, फिर दो दुनी चार। अब क्या करना है आपको सब में चिन्ह लगाना है कौन सा, माइनस माइनस और माइनस। अब कोष्ठक खोलना है पहले, तो ये तो है माइनस का चौबीस, ये है आपके प्लस का तीन, ये दे रखा है आपके प्लस का दो, और ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस के बारह बराबर, ये है माइनस का तीन और ये है माइनस का चार, एक प्लस का और एक माइनस का तो होती है बाकी, चौबीस में से तीन गया इक्कीस और ज्यादा कौन सा है माइनस, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो भी जुड़ेंगे, तो बारह और दो कितना हो गए चौदह, और किसके है प्लस के, यहाँ दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे और चार दिन कितना हो गए सात, तुम कौन सा आएगा माइनस का। अब आपको एक्स का मान भी ज्ञात करना है और वाई का मान भी, एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे इसमें उसका भाग लेंगे, माइनस का इक्कीस बटा माइनस का सात भाग जाएगा आपके तीन बार, यहाँ पर चौदह बटा माइनस का सात यहाँ भाग जाएगा आपके दो बार प्लस माइनस माइनस, एक्स का मान तीन और वाई का मान हो गया माइनस का दो।